आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मेन मुद्दा है कि MCI ने एक नया फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया है फॉर ऑल MBBS स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि ये बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है क्या और किन स्टूडेंट्स के लिए है और वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। MBBS के सारे स्टूडेंट्स को अब से इंडिया में एक 1 month का मैंडेटरी फाउंडेशन कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, ये MCI का नया रूलिंग निकला है कि अब से जितने भी बच्चे MBBS में इनरोल करेंगे उनको 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स ज़रूरी फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ मानसी शर्मा एंड दिस इज़ आर न्यू वीडियो फॉर यू टुडे ऑन द चैनल ऑफ रूस एजुकेशन। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड पूरी इन्फॉर्मेशन फॉलो करने के बाद आपके और कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। सो आइए बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में। MCI के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर वी के पॉल, जो कि नीति आयोग के मेंबर भी हैं, उन्होंने इसी हफ्ते में ये बात बताई है कि जो नया फाउंडेशन कोर्स होगा वो MBBS के सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा पूरी कंट्री में। इट विल नॉट बी लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर एरिया और एनी पर्टिकुलर स्टेट। इट विल बी फॉलोड ऑल अक्रॉस द कंट्री फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर द MBBS कोर्स इन द कंट्री। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि ऑफन ये चीज़ें मानी जाती हैं, एक्सपेक्ट की जाती हैं कि जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो अपने टाइम एंड ड्यूरेशन में बेसिक सॉफ्ट स्किल्स जो होती है कि पेशेंट्स के साथ डील कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, उनकी फैमिलीज के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने कोर्स के ड्यूरेशन में या फिर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने के टाइम में धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर पॉल कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके कोर्स के टाइम पे उनको ये चीज़ें समझाएं ताकि जब वो ग्रेजुएट करें, जब वो डॉक्टर्स बने, तब उनको पहले से ही ये चीज़ें मालूम हो कि एज अ डॉक्टर हाउ डू यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स। तो इसीलिए एक प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स मॉड्यूल इंक्लूड किया जा रहा है इस फाउंडेशन कोर्स में, जिसके थ्रू पेशेंट्स को ये समझाया जाएगा कि बेसिक प्रोफेशनलिज्म क्या होती है एज अ डॉक्टर, कि जब आप किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं, उनको उनकी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो आपका खुद का एक एम्पैथेटिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको उनकी फैमिली के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इस कोर्स में एक डिसेबिलिटी के ऊपर मॉड्यूल ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें बेसिक एटिकेट्स टू फॉलो एज अ प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल वाइल डीलिंग विद पेशेंट्स विद डिसेबिलिटी और विद देयर फैमिली मेम्बर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी इसमें। फिर डॉक्टर पॉल ने कहा है कि एक लैंग्वेज कोर्स भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये कॉमन नॉलेज है कि कोई भी जब पढ़ाई करने के लिए जाता है इंडिया में तो ऐसा कई बार होता है कि वो दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं या दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझें, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बेसिक लैंग्वेज में आपसे बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग टू अ सदर्न स्टेट, वहाँ पे जाकर क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ की लैंग्वेज को फॉलो करें ताकि जो लोकल पेशेंट्स हैं वो आपके पास जब आ रहे हैं तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनकी कंसर्न्स को समझ सकें, वो जो आपसे अपनी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आप उनकी लोकल लैंग्वेज में समझ सकें। सो दिस इज़ अनदर थिंग जो कि इस कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा टू ट्रेन फॉर द लोकल लैंग्वेजेस। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि लैंग्वेज कोर्स आगे भी एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे फील्ड विजिट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, जिसके थ्रू उनको कम्युनिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में कैसे पेशेंट्स आते हैं, उनके क्या कंसर्न्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके कम्युनिकेट करके उनको और आइडिया मिलेगा कि उनका आगे का कोर्स कैसा होगा। इस फाउंडेशन कोर्स में डॉक्टर पॉल ने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए फील्ड विजिट्स भी इंक्लूड की जाएंगी ताकि उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्सपोजर मिले कि कम्युनिटी सेंटर्स में एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में कैसे पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ कैसी बातें की जाती हैं, उनके सिम्टम्स कैसे उनसे पूछे जाते हैं एंड प्राइमरी लेवल पर ट्रीटमेंट इंडिया में कैसे होता है।
सो दिस इज़ अनदर थिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी लेवल पे हमारे कंट्री का मेडिकल सिस्टम कैसा है. सो दिस विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दिस वन मंथ मैंडेटरी फाउंडेशन कोर्स. एंड फाइनली डॉक्टर पॉल ने ये भी बताया है कि हमारा जो ये एक महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा उसमें स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मॉड्यूल भी इंक्लूड किया है ताकि स्टूडेंट्स को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी थोड़ा एजुकेट किया जाए सो दैट व्हेन दे ग्रेजुएट एज डॉक्टर्स दे डोंट जस्ट फोकस ऑन देयर मेडिकल प्रैक्टिस एंड देन फॉरगेट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ. उनकी खुद की हेल्थ, उनका खुद का एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए उनको ये भी सिखाया जाएगा कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है. सो दिस मॉड्यूल विल बी फॉर 4 hours एंड 2 hours पर वीक. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वन मंथ मैंडेटरी कोर्स फॉर ऑल MBBS स्टूडेंट्स इन द कंट्री. सो अब से जितने भी स्टूडेंट्स MBBS के कोर्स में आना चाहेंगे, इंडिया में पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में, सिटी में हो इंडिया में, उनके लिए ये एक नया कोर्स एक महीने का इंक्लूड किया गया है. सो दिस वॉज आवर वीडियो अबाउट दिस फाउंडेशन कोर्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कोर्स प्लीज़ आस्क अस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वील बी श्योर टू रिस्पॉन्ड.